from the top. And I'm hating the slack, couple man slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. अभी हम रुके हैं द हेरिटेज गार्डन पे। ये देखो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख के तो अंदर जाने का मन कर रहा है, लेकिन अगर हम रुकेंगे ना तो लेट हो जाएगा, जिसकी वजह से धूप होने की वजह से हमें दिक्कत हो जाएगी। तो इधर से निकलते हैं और वीडियो हमने अभी स्टार्ट किया। रीज़न ये था कि कुछ खास सीन नहीं था और हमें जल्दी से जल्दी निकलना था होटल से। ये जो हेरिटेज गार्डन है ये दीनानगर बाईपास रूट 54 पे है। और इस जगह से पठानकोट तकरीबन 20 किलोमीटर है। ये देखिए यहाँ पे जम्मू 88 किलोमीटर है यहाँ से, तो हम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। हाईवे का मज़ा तो कुछ और ही है। देखिए आज मैंने फुल स्लीव्स पहन लिया है, बहुत मतलब कल का उल्टा है। कल का जो डे था ना, कल ज़बरदस्त मौसम था। हम पूरा अमृतसर पहुंच गए थे, लास्ट पे थोड़ा सा अमृतसर पहुंचने के बाद सूरज मिला था, बट यहाँ पे तो आज ही मतलब सुबह से ही यह हाल है, गर्मी काफ़ी है। तो अच्छा है कि हम सुबह सुबह निकल गए थे 7 बजे। और यहाँ ट्रकों की लाइन, वाह। कल का कुछ स्टोरी ये है ना, कल के वीडियो में मैंने आपको पूरा नहीं बता पाया था। तो कल हमारा प्लान जो था अमृतसर गोल्डन टेंपल का प्लान नहीं था, हम जा रहे थे जम्मू उधमपुर अपने भैया के पास, सोचा वहाँ पे घूमना भी हो जाएगा और भैया से भी मिल लेंगे, एक हफ्ता का शॉर्ट ब्रेक चाहता था काफ़ी दिनों से। तो वही मैं गया तो ठीक ठाक था, लेकिन पहले नहीं बताया था ताकि पहले बताने से मना कर देते और वहाँ पे कोविड का इशू था तो एंट्री नहीं देता गेट पे, तो इसी वजह से ये रविनगर ब्रिज आ चुका है। अभी बस ये ब्रिज ना क्रॉस करते ही हम पहुंच जाएंगे लखनपुर बॉर्डर, यहाँ पे सब चीज़ टेस्ट होता है। जम्मू में ऐसे एंट्री नहीं देता है, वहाँ पे ICMR कोविड टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही जाने देते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है, आज का सिचुएशन कैसा है। भीड़ अगर मिल जाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। होप कि भीड़ ना मिले, सब ठीक ठाक रहे। देखिए ब्रिज पार्क करते ही ये दिखने लगा लेफ्ट साइड में, हम एंट्री हो चुके हैं लखनपुर बॉर्डर पे। यहाँ का मेरे को रूल भी नहीं पता, पहली बार आ रहा हूँ, कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा, इसलिए देखते हैं। तो एक काउंटर से मैंने ये फॉर्म लिया है, इसमें सारे डिटेल्स फिलअप करना है, उसके बाद हमें काउंटर पे सबमिट करना है। सबका अलग अलग काउंटर बना हुआ है, हर जगह का, जम्मू में अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग काउंटर बनाया, तो मैंने उधमपुर वाले काउंटर पे जमा किया है। उसके बाद उन्होंने आधा फाड़ के रख लिया और आधा हमें दे दिया और टेस्ट भी कर लिया कोविड रिपोर्ट, और रिपोर्ट जो है वो मोबाइल पे आएगा।
लेकिन अभी पास नहीं मिला है। पास के लिए हमें फिर वो रिपोर्ट को इस काउंटर पे अप्लाई करना है। यहाँ पे भी अलग अलग विंडो है अलग अलग जगह जाने के लिए। तो ये देखिए मैंने इस वाले विंडो से लिया था, ये उधमपुर का विंडो है। सांबा उधमपुर का विंडो यही है, इससे मैंने फॉर्म लिया है। अब इस वो फिलअप करूँगा करने के बाद, ये रहा पास वाला फॉर्म। फिर ये हमें भर के इसी काउंटर पे जमा करना पड़ेगा, और वो भी हमें आधा स्लिप देंगे और आधा अपने पास रखेंगे। देखिए ये जो है दो मेरा और मेरी वाइफ का मैंने बनाया है, ये कोविड रिपोर्ट वाला है कि हमने टेस्ट करा लिया है, और ये है पास के लिए कि हमने टेस्ट करा लिया, अब हम एंट्री कर सकते हैं। फाइनली टेस्ट हो गया, और हमारा भीड़ तो बहुत ज़्यादा नहीं था, और काफ़ी गर्मी थी यार, काफ़ी गर्मी थी यहाँ पे सच में। और टाइम फिर भी तो 1.5 घंटा तो वेस्ट हो ही गया, बस यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। यहाँ पे मैं और रुकना नहीं चाहता, एकदम मतलब गर्मी से हालत ख़राब हो गया यहाँ पे रुक के। बस जितना जल्दी हो सके निकलो इधर से। हाँ तो मैं वहाँ के बारे में बता रहा था कि अमृतसर कैसे चला गया, क्योंकि बिना प्लान का, क्योंकि भैया ने पहले मना कर दिया, बोला कि घुसने नहीं दे रहे हैं वो लोग गेट में, और डिफेंस में है ना, तो ऐसे आजकल कोविड का दौर है पता ही आपको, घुसने नहीं देते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, बोला मत आ बोल के। और फिर पठानकोट के बाद तो नेटवर्क नहीं रहता मोबाइल में, तो मैं सोचा फ़ोन कैसे करूँगा, इसलिए मैंने पठानकोट से पहले ही बताया उनको, तो उन्होंने बोला हमने मना कर दिया। तो जिसकी वजह से अब मैंने सोचा कि क्या करूँ क्या करूँ, आधा दूर तो आ ही चुके थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं चलते हैं, कहीं तो चलना होगा, पूरा रिटर्न तो नहीं हो सकता, रिटर्न में चंडीगढ़ बिल्कुल नहीं जाना चाहता। तो फिर मैंने वहाँ से एल टर्न लिया और अमृतसर की तरफ मुड़ गया। और मतलब इसलिए मैंने वहाँ पे स्टेटस इंस्टाग्राम पे अपना स्टेटस भी डाला था कि जहाँ से जिसका बुलावा आता है ना, जैसे तैसे ऐसे कैसे भी करके वो पहुँच ही जाते हैं। तो उस वक्त हमारा बुलावा वहाँ पे आ चुका था कि हमें मतलब अमृतसर पहुँचना ही है। तो हम गोल्डन टेम्पल अच्छे से घूमे फिरे, पूरा अमृतसर देखा। उसके बाद हम मॉर्निंग में एक दिन रुक के मॉर्निंग में हम फिर यहाँ के लिए निकल गए। और देखिए ये कश्मीर में मतलब एंट्री होते ही, जम्मू में एंट्री होते ही, ये यहाँ का सीन जो ऐसा है ना, कुछ दोनों साइड आपको रेड कलर का फ्लावर दिखेंगे हाईवे के बगल में, तो मतलब एक पता चल जाता है कि हम एक अलग स्टेट में आ चुके हैं। और मतलब ऐसा हल्का सा फील देता है जम्मू और कश्मीर वाला, जो बोलते हैं ना कश्मीर की वादियाँ, उस टाइप का कुछ फील आता है ये दोनों साइड के फ्लावर, रेड कलर के फ्लावर देख के। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ज़बरदस्त। और जल्दी पहुंचना है इसलिए थोड़ा सा मैंने रफ्तार बढ़ाया, क्योंकि जितना टाइम बढ़ेगा ना अभी गर्मी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा और बाइक चलाने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए जितना जल्दी पहुंच जाए उतना अच्छा है। लेकिन अब जल्दी के चक्कर में ऐसा भी जल्दी नहीं पहुंचना है कि भाई कहीं और ही पहुंच जाए, इसलिए मैं मतलब कि कंट्रोल में ही चला रहा, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चला रहा, 80-90 के स्पीड पर चल रहा है। देखो ये रहा स्पीडोमीटर, आप देख सकते हैं। और मैंने एक हाथ में ग्लव नहीं लगाया, वो जल्दीबाजी में मैं फॉर्म भर रहा था ना, वैसे ही चलाने लगा। मेरे को मतलब इतना था कि जल्दी से जल्दी उधर से निकलना है, अभी तक मेरे को टाइम नहीं मिला अपना ग्लव्स पहनने का। और ये देख सकते हैं आप, जो मेरा जिस एरिया में मैं ग्लव्स पहनता हूँ वहाँ मेरा कितना मतलब वाइट है, वहाँ पे ठीक ठाक है कलर। और बाकी जो मैंने टी शर्ट पे कल चलाया था, बाइक राइड किया था, और उसके नीचे का एकदम ब्लैक हो चुका है।
तो इसलिए ग्लव्स और फुल स्लीव्स बहुत ज़रूरी है। आप धूप में ड्राइव करें तो ये सब चीज़ प्रॉपर क्लोथिंग होना चाहिए आपके पास, नहीं तो पूरा जल जाएंगे। मतलब ये लाइव एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि धूप में इंसान कैसे काला पड़ जाता। वाह, सिंधी तो देखिए यहाँ का, लेकिन कोई भी रिवर में ये नहीं है, पानी नहीं है बिल्कुल भी, सूख चुका है। इससे पहले रवि रवि रिवर जो हम क्रॉस किए थे लाखनपुर बॉर्डर से पहले, वो भी सेम यही सिचुएशन था, बिल्कुल पानी है ही नहीं। ये देखो उजाड़ बंजर सा पड़ा हुआ है। बस अब तो पहाड़ी पे जाने के बाद पता चलेगा कि वहाँ का मौसम कैसा है, वेदर कैसा है वहाँ का। सतनाम, तो मैं सोच के आया हूँ कि यहाँ पे कम से कम 1 वीक तो बिताऊंगा यहाँ एज ए हॉलीडे। मतलब और थोड़ा जम्मू भी घूमेंगे इसी बहाने, और मेरी नीस है दो, उनसे मिलके उनके साथ मस्ती करेंगे। आपको मैं मिलाऊंगा अपने नीस से, बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से हैं। और यहां से सामने वो पहाड़ी दिख रहा है, लाजवाब। दूर से जो दिखता है ना, वहां पे जाने की खुशी कुछ अलग ही होती है कि मतलब वहाँ हमें पहुँचना है, कितना मज़ा आएगा। फिर उसके बाद जब चढ़ान शुरू होता है तो फिर असल मज़ा आता है राइड का, पहाड़ों का कर्व। लेकिन हाँ, पहाड़ों का कर्व का एंजॉय लेने के लिए आप कभी भी तेज ना चलाए। मैं तो कभी तेज नहीं चलाता, बहुत ही रिस्की भी होता है कारों पे बाइक चलाना। सच में यार, मतलब मजा आ रहा है मेरे को। ये खुला आसमां, ये है सीधा दिया, ये कहाँ आ गए हम। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि मैं मतलब कल तक चंडीगढ़ में था, सॉरी परसों चंडीगढ़ में था, कल अमृतसर में था, और आज मैं जम्मू में आ चुका हूँ। मतलब अगर कोई चीज़ ठान लिया जाए तो हो ही जाता है ना। सही सही कहा है ये किसी ने, मतलब अगर घर से निकल जाओ तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाओ। माइंडसेट बहुत बड़ा चीज है, माइंडसेट होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अभी जो है यहाँ से मानसर लेक
22 किलोमीटर है, जम्मू 58 किलोमीटर है। और यहाँ से कर्व स्टार्ट हो गया है, ऐसा लग रहा है कि हम टच कर चुके हैं पहाड़ी को। और मेरे कैमरे का बैटरी भी डाउन हो रहा है, पता नहीं कहाँ तक रिकॉर्ड हो पाएगा। हम लोग ज़्यादा ना नहीं हो पाएगा। ये जो मतलब पहाड़ी एरिया में या फिर जहाँ पे इस टाइप का वाइट वाइट पेड़ होता है ना, ऊंचा ऊंचा पेड़ होता है उसके वाइट कलर के, उसके तना जो है वो वाइट कलर के होते हैं, मतलब बहुत ही प्यारा दिखता है। हट जाओ साइड, हमें जाने दो प्लीज, जल्दी पहुंचना है, धूप काफ़ी तेज हो रही है अभी। मतलब ये ठंडी के दिन में जाने के लिए बहुत ही सही है, राइडिंग करने का असल मज़ा ठंडी में है, बट गर्मी का भी अपना ही मज़ा है। लेकिन बस जल्दी से हो जाए, बाद में जितना टाइम हो जाता है ना थकान उतना होता जाता है, फिर बाद में एक समय ऐसा आता है जब राइड करने का बिल्कुल मन नहीं करता। और राइड में एक चीज़ मैंने गौर किया है ना, मतलब जब आप आखिरी के किलोमीटर पे होंगे ना, मान लीजिए आप 500 किलोमीटर जाना है, आपने 400 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, जो आखिरी का 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर होता है ना, वो मतलब इतना लेंदी हो जाता है, इतना लेंदी हो जाता है, वो कटता ही नहीं है रास्ता, अजीब सा टाइम लगता है उसमें, लगता है यार कब पहुँच ये, मतलब जितना 400 किलोमीटर पार करने में नहीं लगा, उतना लास्ट का 50 किलोमीटर में टायर्ड हो जाता है इंसान, लगता है कि यार बस अब हो गया। ये देखो ये भी वैसे ही सूखा हुआ है, पता नहीं ये कौन सा नदी है, बट ये भी वैसे ही सूखा हुआ है, बंजर उजाड़ सा पड़ा हुआ है। देखो ऐसा लगता है ना, ये सब नदी में बस बरसात के समय ही पानी आता होगा, लेकिन ऐसे तो नॉर्मली जो नदी होते हैं जो पहाड़ों से निकल के जाते हैं पहाड़ों के आसपास की नदी, उसमें हमेशा पानी रहता है, बट पता नहीं यहाँ का क्या सिस्टम है। और ये बालू गिराते हुए जा रहा है भाई साहब, इस पर तो जो स्लिप होगा ना, इसलिए इस पर टायर नहीं पलट गए। और ये ट्रक को तो देखो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, इसके टायर नहीं दिख रहे हैं, ऐसा सजाया है इसे, बहुत ही बढ़िया। और ये पहाड़ों का सीनरी स्टार्ट हो चुका है, घूम घुमाओ जलेबी वाले मोर स्टार्ट हो चुके हैं। भाई साहब यहाँ पे ये तो देखो खाई साइड में, और इस तरफ चट्टान, इस तरफ खाई, क्या बात है। रोड में डिस्टरबेंस बहुत है, मतलब यहाँ के रोड में ना अच्छा तो है, लेकिन मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। जैसे शिमला में काफ़ी हद तक मतलब ये चीज़ है ना, शिमला और मनाली वाले रोड, शिमला वाले रोड में, मनाली तो मैं अभी तक गया नहीं हूँ, वहाँ पे रोड में काफ़ी कंसिस्टेंसी है, अच्छा है तो मतलब
काफ़ी दूर तक एक ही जैसा रोड मिलेगा, बीच में कहीं कहीं थोड़ा ख़राब आएगा। और यहाँ पे एक ही बार ख़राब, एक बार अच्छा, एक बार ख़राब, ऐसा है बीच बीच में कुछ, तो मतलब काफ़ी दिक्कत होता है। और ये लेफ़्ट साइड में सीन देख, बस आप सीन देखते जाओ और मज़ा लेते जाओ मेरे साथ साथ। बस यही है कि मैं लाइव ले रहा हूँ, आप बाद में वीडियो के जरिए ले लोगे। और ये एक बहुत ही अच्छा सा यू टर्न, पहाड़ों वाला यू टर्न, हाईवे वाला नहीं। हाईवे वाला भी यू टर्न लोगे तो वापस पहुंच जाओगे, लेकिन पहाड़ों वाला यू टर्न में क्या होता है ना, आप आगे की तरफ ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे। हाईवे पे क्या होता है, आप रिटर्न आ जाते हो यू टर्न में, और इस पहाड़ों वाले यू टर्न में ऊपर की तरफ और आगे की तरफ बढ़ोगे। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पहाड़ों का यू टर्न एंड हाईवे का यू टर्न। वाओ, देख रहे हो ना किस तरीके से हम चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते ही चले जा रहे हैं। आई गेस अभी भी 40-50 किलोमीटर है यहाँ से, और ये लास्ट का 40-50 किलोमीटर। देखो ट्रक ने तो हाईवे ही बना रखा है, अपना अलग से हाईवे बना रखा है साइड में। ये देखो किस तरीके से पार किया हुआ है पूरा, ये देख लो। लगता है आर्मी का कानवाई जा रहा है। इनका भी अपना अलग ही कानवाई रहता है। ये देखो एक जा रहे तो रुका हुआ है और एक उधर से आ रहे हैं। वाओ, ऑसम भाई, ऑसम सीन, ऑसम है। मेरे ख्याल में सर्दी में तो पक्का यहाँ पे बर्फ रहता ही होगा। जो यहाँ से हो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि यहाँ पे मतलब सर्दी में कैसा मौसम रहता है इस एरिया में। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पक्का बर्फ होता होगा। ये रहा घर, घर का सीन अपना। ये छोटी बदमाश जोया, देखो किस तरीके से बदमाशी करती है। इसकी बदमाशी का तो मतलब इनसे मिली है मेरी छोटी सी नी। बेचारी क्लास कर रही है, लॉकडाउन में तो ये हाल हो चुका है। आजकल क्लास इस तरीके से होते हैं, अभी इसको छेड़ना खतरों से खाली नहीं है। ये देख सकते किस तरीके से मतलब ध्यान लगा चुकी है पढ़ाई में। इस वक्त छेड़ना, ये जितना ही पढ़ाई के समय सीरियस लेती है, खेलने के समय उतना ही सीरियस लेती है। और ये मेरी सना, इससे मिलिए, ये है सना। देखो क्लास टेस्ट दे रही है, खुद से नंबर दे रही है। कोविड में इस तरीके से क्लास चल रहा है, मतलब क्लास का वीडियो नहीं बनाना। कितने स्कोर आए बेटे मेरा? 9 है, क्योंकि ये गलत हुआ, ये गलत हो क्या? कौन सा मेरा? मैंने जो बताया था ना, हाँ ये, और ये गलत हुआ। और ये क्या चीज़ का क्वेश्चन? काइंडली डायग्नोज एज, मुझे मालूम ही नहीं है, पता नहीं क्या करता है। यू कैन रिकमेंड आयोडीन, ये क्या लिखा हुआ है? एनेमिक। अच्छा देखिए, इसका क्या, ये क्यों गलत हो? ये फ्रूट्स भी तो बैलेंस डाइट का है। एग्जांपल इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस डाइट, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस डाइट। नहीं फ्रूट नहीं होगा ना, मिल्क होगा। और यहाँ पे ये कॉपर सर्विस वाला है, तो स्टार्टेज इसमें क्या है? स्टार्टेज इसका है
आयो मुझे नहीं लगता है गोल्ड मार्केट जम्मू। तो ये जो अभी राइड कर रहे हैं वो भैया राइड कर रहे हैं, मैं पीछे बैठ के मज़ा ले रहा हूँ मार्केट का। ये देखो किस तरीके से भीड़ है, उधमपुर का मार्केट है ये, गोल्ड मार्केट। जो जो जानते हैं इस प्लेस को इस कमेंट में बताएं। अच्छा काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है यार ये, मतलब ये तो देख के लग ही नहीं रहा कि हम जम्मू में आए इस वक्त। नॉर्मल सा टाउन वाला एरिया जैसा होता है ना, वैसा भीड़ भाड़ है इसमें। अभी हम लोग टहल रहे हैं, चलिए आपको रूम टूर भी करा देते हैं। दरवाजा खोलते ही कुछ ऐसा सीन मिलता है, सामने सना पढ़ाई कर रही है। क्या चीज? अपनी क्लास कर रही है लैपटॉप में। इधर टीवी है, यहाँ पे अचार भाभी ने डाला हुआ है। और ये देखो कौन जा रहा है, किचन। जबरदस्त नजारा है, पिटाई खाओगी जो है तो तुम पिटाई खाओगी जो है बता दे। ये कोरोना के कारण थोड़ा मजा भी ले लिया आपने, मुश्किल भी आई है, मजा भी हो गया। होप कि जल्दी से सब ठीक हो जाएगा। कितना अच्छा बकवास दे रहा था, पता नहीं क्या क्यों बाद में मिलेंगे। तो पढ़ाई को और अच्छे से करें। चलिए अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, छुट्टियों में मैंने आपको ना कुछ बुक्स भेजता था, मैं पढ़ते थे। यस सर। कोई बच्चे बताएगा उस बुक का क्या नाम है? पिज्जा टाइम। भाभी बना रही है पिज्जा और पिज्जा रेडी है।
मैंने मैंने मालूम है कितना खाया? हाँ, मैंने तो पूरा एक खाया, एक गोल राउंड पीस, और नहीं खाऊंगा उसके उसके बाद उसका पापा में से भी एक पीस लिया। वीडियो दोबारा से शुरू करो, फिर से दोबारा से नहीं सुबह जो होता है नेचुरल। मैंने ना पूरा एक प्लेट दो प्लेट पिज्जा खाया, आपको तो कुछ नहीं मिला। आपने बर्गर खाया आपसे भी ज्यादा। कितना खाई जया? कितना खाया? एक प्लेट तीन। ये लड़की सिर्फ देखने में छोटी है लेकिन तीन पिज्जा, मतलब एक पिज्जा का तीन पीस अकेले इसने खा लिया। और ये लड़की ने कितना खाया? इतना बड़ा पीस सिर्फ एक। बताओ बताओ, मैंने ना बर्गर भी खाया, आपको तो बर्गर नहीं मिलेगा। मैंने तो दो दो बर्गर खाए। चलो उधर चलो, नहीं तो पियानो टूट जाएगा। बताओ आपने कितना खाया? बताओ। एक ही पिज्जा पीस खाया क्योंकि मुझे खाने का आदत नहीं था, और मेरा भी जोया ने खा लिया। ओहो, क्योंकि आइसक्रीम खाई थी शायद से। देखो ये नहीं तो पूरा एक खत्म कर देती है, ऐसी लड़की है। लेकिन देखो आज हमने आइसक्रीम भी खाया, आपको तो कुछ मिला नहीं। दीवार टूट जाए, दीवार का भी टूट